हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 क्वेश्चन करेंट अफेयर के देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के रीस्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किए? 1110 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ और 900 करोड़। तो आपका इसमें आंसर क्या है? ए, 1110 करोड़। आंध्र प्रदेश AP के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1110 करोड़ रुपए के नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब? 20 मई, 21 मई, 23 मई, 24 मई। तो इसका आंसर सी है, 23 मई। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को 2000 से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुआ और कछुआओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। हर वर्ष इस दिन को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 2002 का विषय जो है एडप्ट डोंट सॉल्व है ना। थर्ड, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और 4 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन एसले कपूर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? है ना, एसले कपूर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चीन, जापान। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बाईस मई 2002 को प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एसले जान कपूर का 83 वर्ष की आयु में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। पूर्व रैंकर नंबर 1 खिलाड़ी कपूर ने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और 4 ग्रैंड स्लैम एकल और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब। उनका जन्म 15 सितंबर 1936 को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आर्टिस एड्रिस एक प्रसिद्ध फुटबॉलर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ब्राजील, बेल्जियम, स्पेन, ब्रिटेन। तो इसका जो आंसर है सी, स्पेन। इक्कीस मई 2002 को स्पेनिश फुटबॉलर एथलेटिको बिलबाओ स्ट्राइकर आर्टिस एड्रिस ने 39 वर्ष की आयु में यह पता लगने के बाद कि उन्हें प्रोस्थेटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है सेवानिवृत्ति की घोषणा की। आर्टिस एड्रिस फिफ्थ, मेटवाई ने IMD की 7 मौसम सेवाओं को उमंग ऐप में लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है ए, रविशंकर प्रसाद।
उमंग ऐप पर आईएमडी सेवाओं पर होस्ट किया गया है का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मोस के सचिव डॉक्टर माधवन नायर राजीव द्वारा किया गया है, जिसमें 7 सेवाएं करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फॉरकास्ट, वार्निंग, साइक्लोन आदि है ना, ATC। राइट्स ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। राइट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई, गुरुग्राम। तो इसका आंसर डी, गुरुग्राम। IRSDC रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA और IRCON इंटरनेशनल के संयुक्त उपकरण को देश भर के स्टेशनों के लिए पुनर्विकास का काम सौंपा गया है। लॉकडाउन के बाद राइट्स के मध्य प्रदेश में 188 किलोमीटर मार्ग विजयपुर पाचौर रोड मस्कीखंड रेलवे विद्युतीकरण परियोजना को दिया है। 7th, किस संगठन द्वारा आभास झा को दक्षिण एशिया के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक, IMF, IDA, यूनिसेफ। तो इसका आंसर क्या है? ए, विश्व बैंक। आभास झा भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। पहले उन्होंने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अभ्यास प्रबंधन के रूप में कार्य किया। इसने आभास झा जहानवी फूकन को फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्लो का हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। जहानवी फूकन को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में 36वें फ्लो सत्र में हरजिंदर कौर तलवार से पद संभाला। वह 2007 में फ्लो नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की संस्थापक सदस्य और संस्थापक वाइस चेयरपर्सन थी। 9, विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? कार्नेल रेनहार्ट, केनेथ रोगोफ, मारिस गोल्डस्टीन, विंसेंट रेनहार्ट। तो इसका आंसर है ए, कार्मेन हेनहार्ट, रेनहार्ट। कार्नेल रेनहार्ट विश्व बैंक ने पूर्व वियर स्टर्न कार्यकारिणी कार्मेल रेनहार्ट को अपने नए उपाध्यक्ष बीपी और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया, जो वित्तीय संगठनों पर एक विशेषज्ञ हैं, जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में भी कार्य करती हैं। 15 जून 2020 को रेनहार्ट की नियुक्ति प्रभावी है ना। 10, राजेश भूषण की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन
भारत में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए किया गया। इस समिति में कितने सदस्य हैं? 8, 7, 11, 9। तो इसका आंसर है सी 11। दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। MOHFW के सूत्रों ने बताया कि 11 मई को गठित समिति ने 19 मई को और 22 मई को बैठक की है। 11th, किस संगठन ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मणिपुर की खुडोल पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UN, यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर डी है UN, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र UNA ने के महासचिव के यूथ पर श्रीलंका के जेम्मा विक्रमनायके ने खुडोल उपहार सूचीबद्ध किया है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से इम्फाल मणिपुर स्थित NGO या अली की एक प्रमुख पहल है। खुडोई का उद्देश्य LGBTQI+ समुदाय के लोगों को HIV, बच्चों और किशोरों के साथ भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदान करना है। 12, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? 5, 7, 4, 3, है ना? तो इसमें सी 4। बलवीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक मेडल विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे लंदन 1948, हेलसिंकी 1952, मेलबोर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह सीनियर को वर्ष 1956 के मेलबोर्न ओल में भारत का कप्तान बनाया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे वर्ष 1975 की विश्व कप विजेता टीम के प्रबंधक थे। 13, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या है? बी झारखंड। क्या है? झारखंड। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। वे बिहार में 2 बार मंत्री रहे, साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और सांसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इकटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6 बार प्रतिनिधित्व करते रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र प्रसाद यहां के विधायक बनते रहे हैं। 14, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस COVID-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका आंसर है डी कैनरा।
कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित देनदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। वे अपने आवश्यक बकाया बिल या पार्किंग का भुगतान कर सकते हैं। कैनरा बैंक के इस योजना के तहत लेनदार अपने कार्य पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि स्व सहायता समूह और रिटेल चैनल के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। ओके गाइस, तो यह आपके 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़।